नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे घर पर 12 वोल्ट बैटरी बनाने का तरीका। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये मैंने बैटरी कैसे बनाया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, इस बैटरी को बनाने के लिए आपको दो रॉ मटेरियल की जरूरत होगा। पहला हो गया रंगा और दूसरा हो गया सल्फ्यूरिक, जो बैटरी में पड़ता है तेजाब। अब इसे बनाना कैसे है, तो सबसे पहले हम रंगा का प्लेट बनाएंगे। तो प्लेट बनाने के लिए यह देखिए मैंने एक भट्टी बनाया है जुगाड़ से, इसी में हम रंगा को गलाएंगे और इसका प्लेट बनाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यह बैटरी कैसे बनेगा घर पर और इसका बैकअप कितना होगा। आप इसे बहुत ही आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने मिट्टी का डाई बनाया है, इसी में इस प्लेट को हमें बनाना है। इस प्लेट को आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं, जैसे आपको छोटा बैटरी बनाना है, बड़ा बैटरी बनाना है तो आप बना सकते हैं। देखिए इसी तरीके से यह प्लेट बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर बैटरी बनाने के लिए मैंने ग्लास का यूज किया है। अब इसी में इस प्लेट को लगाना है और सल्फ्यूरिक को इसमें डाल देना है। प्लस माइनस बनाने के लिए हमें एक प्लेट को काटना है। देखिए यह हमारा प्लस और माइनस बन जाएगा। और इन प्लेटों को इस तरीके से मोड़कर इस ग्लास में डाल देना है। यह भी एक प्लस है और एक माइनस है। अब इसमें सल्फ्यूरिक को डाल देना है और बैटरी को चार्ज कर लेना है। बैटरी को चार्ज करने के लिए मैंने 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर बनाया है, इसी से हम इसे चार्ज करेंगे। तो यह देखिए लाल वाला तार है जो रेड का, यह प्लस हो गया, और पीला तार है येलो, यह माइनस हो गया। देखिए इसमें प्लस माइनस आप जिस पर भी इसे लगा देंगे, जैसे अगर मैंने पीले वाले तार पर अगर मैंने प्लस का सप्लाई दे दिया और लाल वाले पर माइनस, तो यह लाल वाला माइनस हो जाएगा और पीला वाला प्लस हो जाएगा। लेकिन आपको एक ही बार करना है, एक बार आपने जिसको प्लस बना दिया वो आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बैटरी चार्ज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आ रहा है। देखिए अब यह बैटरी चार्ज हो रहा है। अब इसे मैं 30 मिनट चार्ज करूँगा और उसके बाद इसे हम फैन चलाएंगे, लाइट जलाएंगे। 12 वोल्ट का यह बैटरी है, 12 वोल्ट सप्लाई है पूरा देगा। बैटरी चार्ज करते हुए 30 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम बंद करेंगे चार्जिंग और देखेंगे कि इससे हमारा फैन चलता है, लाइट जलता है कि नहीं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। देखिए यह है एक 12 वोल्ट का फैन जो मैंने बनाया है। अब यहाँ पर यह हो गया प्लस और यह हो गया माइनस, और देखिए फैन पूरा तेजी के साथ चलने लगा। यह बैटरी पूरा फुल चार्ज हो गया है 12 वोल्ट। तो आप भी इस तरीके से घर पर ही बैटरी बना सकते हैं। अब इसका बैकअप, अगर हमने इसे 30 मिनट चार्ज किया है तो यह कम से कम 30 मिनट तो इसका बैकअप जरूर देगा। देखिए पूरा फैन चल रहा है बढ़िया से।
अब इस बैटरी से लाइट जलाएंगे तो यह देखिए 12 वोल्ट का लाइट है, एलईडी लाइट। अब इसे हम जलाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस हो गया। और यह माइनस, देखिए लाइट भी पूरा तेज जल रहा है देखिए। और यह लाइट जो है एलईडी लाइट, यह बहुत ज़्यादा वाट का होता है। अगर आप बहुत बढ़िया से बढ़िया बैटरी से अगर इसे आप जलाएंगे तो उस बैटरी को बहुत जल्द यह डाउन कर देगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा लाइट खींचता है। समझ में आ गया? यह एलईडी बहुत ज़्यादा वाट का होता है और इस बैटरी से यह जल रहा है, यही बहुत है। देखिए पूरा तेज यह जल रहा है, पूरा यह बैटरी 12 वोल्ट का सप्लाई दे रहा है। आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।